आज बाल श्रमिकों के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से बाल श्रमिक हमारे समाज में कार्य करते हैं जो कि गलत है। कहा गया है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, अर्थात बच्चा ही मनुष्य का पिता है, इसे शिक्षा की आवश्यकता है जिससे आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बने और देश को सही ढंग से चला सके। लेकिन देखा जा रहा है कि कम उम्र में ही बच्चों को कार्य में लगा दिया जाता है जो कि गलत है। 1948 में एक अधिनियम बना था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य में नहीं लगाया जाए। 1951 में एक अधिनियम बना था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बागानों में काम नहीं करने दिया जाए। 1952 ईस्वी में एक अधिनियम बना था कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खान विभाग में काम नहीं करवाया जाए। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में कम उम्र के बच्चे कार्य कर रहे हैं। जब तक अभिभावक और पदाधिकारी इसका पूर्ण विरोध नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। इसके और भी कारण हैं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आय की कमी है, जिसके कारण अभिभावक अपने बच्चों को कम उम्र में कार्य पर लगा देते हैं और वह सोचते हैं कि इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जो कि गलत है। उन्हें बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो स्वतः ही उसका और उनके परिवार का विकास होगा, लेकिन अभिभावक ऐसा नहीं सोचते हैं। पदाधिकारियों को भी इसके बारे में सोचना होगा और जिस क्षेत्र में कम उम्र के बच्चे कार्य करते हैं वहाँ कड़ा से कड़ा नियम को लगाना होगा, और जहाँ पर कार्य होता है वहाँ कठिन से कठिन वहाँ के व्यवस्थापक को दंड देना होगा, तभी इसका निराकरण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। सरकार को भी इसके बारे में जागरूक होना होगा और समय समय पर
देखना होगा कि कौन बच्चा किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तभी इसका निराकरण हो सकता है। कभी अभिभावक को उनके सोच में परिवर्तन करना होगा, तभी संपूर्ण समाज में विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही बाल श्रमिक की समस्याएं हैं। धन्यवाद।